मुसलमानों में उस वक्त तो मैं कहता था कि सब हरामज़ादे अमरीका के आगे बिके हुए हैं लेकिन तुम लोग उस वक्त हमें एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच का बंदा कहते थे उस वक़्त तुम लोग हमें इंतहा पसंद या दहशत गर्दाना सोच का हामिल इंसान कहते थे आज ये देख लो कि तुम लोग उस वक़्त तो हमें फनीटिक कहा करते थे लेकिन आज फ्रांसीसी सदर आसिया मलूना जिससे बाज़त तौर पर पाकिस्तान से बरी किया गया जिसका केस खराब किया गया जानबूझ के और उसकी फेवर की गई और एक इस गुस्ताखा को रिहा करवाने के लिए सवा लाख लोगों को जेलों में भेजा गया दर्जनों लोग शहीद हुए कई लोग जख्मी हुए कई लोगों पे अभी तक पर्चे कटे हुए हैं सिर्फ एक गुस्ताखा को भेजने के लिए और उसको बाहर जाके मेडल्स मिल रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया जो तुमने मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद वसल्लम की शान में गुस्ताखी की डेविड मैक्रोन वो फ्रांसीसी सदर जिसने सबसे तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि सरकारी सतह पर तो ही नहीं रसालत की जाए और अपनी सरकारी इमारतों पर रसूल आलम के नाव से बिल्ला कार्टून बनाए जाएँ ये काम उस हरामजादे ने किया और वो आसिया मलूना को बुला रहा है और वो उसका एहतराम कर रहा है उसको सरकारी प्रोटोकॉल दे रहा है क्या अब भी नहीं समझोगे कि यह वाकई कुछ लोग मुझे इससे गिला नहीं है कि दुश्मन क्या कर रहा है मुझे तो गिला इससे है कि तू इधर उधर की ना बात कर रही है बता के काफिला क्यों लुटा मुझे राहजनों से गिला नहीं तेरी बरी का सवाल है इसे भेजा किसने भिजवाया किसने उसके लिए राह किसने हमवार की हम इन तमाम नुतफा हराम से जन्म लेने वाले हरामजादों को जानते हैं वक्त आने पर इन सबसे जवाब देंगे इन सबको खसीटा जाएगा इन शाह मेरे अल्फाज अच्छे लगें या बुरे लगें यह बात याद रखना वो शख्स हलाली हो ही नहीं सकता जो किसी गुस्ताख रसूल का साथ दे मैंने इसलिए ये लफ्ज़ हराम ज्यादा इनके लिए इस्तेमाल किया आप कहें कि यह गालियाँ देता है या फनीटिक है मेरे पास इससे अच्छा अल्फाज इन तमाम लोगों के लिए और कोई भी नहीं है जिन्होंने आसिया मलूा की डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी मामले में मावनत की हमायत की मुल्क से बाहर फ़रार कराने में इसके केस में बाकी बातें तभी होंगी जब अपना वक्त आएगा इन शाह